India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया होमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शिवसेना नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एनसीबी के खिलाफ याचिका दाखिल की। कहा एनसीबी दुर्भावनापूर्ण और बदले की भावना से कर रही है काम। विशेष न्यायिक जांच हो, आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम का किया बचाव। कहा बुनियादी ढांचे का उल्लंघन, कानून को रद्द करने का कोई आधार नहीं। तीसरे पक्ष के कहने पर अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम के मामले दर्ज करने से पहले जिला अटॉर्नी की राय लें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब डीजीपी को दिए निर्देश। शाहजहांपुर वकील हत्या के विरोध में यूपी बार काउंसिल ने बुधवार को बार एसोसिएशन को न्यायिक कार्यों से दूर रहने को कहा। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की उठाई गई मांग। India Legal presents Courts Roundup. चलिए बात सबसे पहले करते हैं मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले की, जिसमें शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने याचिका दायर की। याचिका में आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई और ये कहा गया कि एनसीबी दुर्भावनापूर्ण और बदले की भावना से काम कर रही है और चुनिंदा फिल्म सेलिब्रिटीज और कुछ मॉडलों पर निशाना बनाया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि छुट्टी का हवाला देकर आर्यन के फैसले को 20 अक्टूबर तक टालना और 17 दिनों तक जेल में रखना उनके हक का हनन है। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। साथ ही मुंबई में एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की है। याचिका में आर्यन के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले की जांच शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने का आदेश देने की मांग की गई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका देती हुई राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना से इस मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीबी दुर्भावनापूर्ण और बदले की भावना से काम कर रही है। इसके अधिकारी पिछले दो वर्षों से चुनिंदा फिल्म सेलिब्रिटीज और कुछ मॉडलों को निशाना बना रहे हैं। एनसीबी के अफसरों की भूमिका का पता लगाने के लिए विशेष न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए एनसीबी की जांच शीर्ष अदालत के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हर मामले का संज्ञान लेने के लिए बाध्य है, जैसे कि संविधान के भाग 3 के तहत गारंटी दी गई है जिसका एनसीबी उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश का हवाला देते हुए टालने से आरोपी का बड़ा अपमान हुआ है। आर्यन खान को अलोकतांत्रिक और अवैध रूप से जेल में 17 रातों के लिए रखा गया है। ये संविधान में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना है। याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि कैसे हाल ही में गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया था और कैसे आर्यन खान मामले में बरामदगी उसकी तुलना में एक छोटा मजाक था। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान ने सोमवार को जेल से काउंसलिंग के दौरान कहा कि वो अच्छा नागरिक बनेगा और देश की सेवा करेगा। एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने खुद आर्यन की काउंसलिंग की और उसे नशे से दूर रहने की सलाह दी गई।
वानखेड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी काउंसलिंग करते हैं। कस्टडी के दौरान ये काउंसलिंग रोजाना 2 से 3 घंटे की जाती है। इसमें मुंबई के इस्कॉन मंदिर के पुजारी या मौलाना और दूसरे विद्वानों के साथ गैर सरकारी संस्थाओं की मदद ली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 एक्ट की वैधता का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए भले ही बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन हो, ये किसी कानून की वैधता पर हमला करने का आधार नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान की बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के उल्लंघन का इस्तेमाल संविधान संशोधन को रद्द करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन कानून को नहीं। केंद्र के जवाब में कहा गया कि संविधान में बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल केवल संवैधानिक संशोधन की वैधता का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन जब किसी कानून की वैधता की बात आती है तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होती। मद्रास बार एसोसिएशन, जयराम रमेश और अन्य द्वारा अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच के जवाब में यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा जवाब दायर किया गया था। केंद्र ने आगे तर्क दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई आधार नहीं जिसका उपयोग विधियों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की धारा 3A स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 50 का उल्लंघन करती है। प्रावधान ट्रिब्यूनल में 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाती है। ये याचिकाकर्ताओं के तर्क हैं, कार्यकाल की लंबाई और सुरक्षा को कमजोर करता है और न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत दोनों का उल्लंघन करता है। सरकार ने कहा कि शीर्ष न्यायालय को अध्यादेश के प्रत्येक पहलू को बरकरार रखना चाहिए था, जिसे मद्रास बार के फैसले में खारिज कर दिया गया था क्योंकि इसमें नीति के मुद्दे शामिल थे और राज्य के 3 अंगों के बीच सामंजस्य हो सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया जिसने एक वैवाहिक वेबसाइट पर धोखे से खुद को भारतीय सेना में एक मेजर बताया था और उस पर शादी के वादे पर एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था। अदालत का विचार था कि आरोपी सेना में काम नहीं कर रहा था और उसने प्रथम दृष्टया पीड़िता को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए धोखा दिया था। आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता मोहम्मद मोहसिन रजा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 और 406 के तहत वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। राजा ने आगे कहा कि आवेदक और उसके अभियुक्ता के बीच संबंध पूरी तरह से सहमति से बने थे और उनके बीच मौद्रिक लेन देन हुआ था जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का था। अतिरिक्त लोक अभियोजन आशा तिवारी ने इस आधार पर अग्रिम जमानत देने का विरोध किया कि स्थिति रिपोर्ट और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान उन दलीलों का समर्थन करता है जो शिकायतकर्ता द्वारा शादी के झूठे वादे के तहत आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के लिए की गई थी। उसने कहा कि आरोपी ने उसके परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी सुरक्षित करने का वादा करने वाले आरोपी द्वारा पैसे की ठगी की थी। अभियुक्ता ने व्यक्तिगत रूप से अदालत को आगे बताया कि जीवनसाथी.com पर उसके साथ जुड़ने के बाद आरोपी ने उसे रिश्ते में धोखा दिया। उसने ये भी कहा कि सेना में मेजर के रूप में तैनात होने के बारे में उसके द्वारा दिए गए सभी विवरण झूठे थे और गहन जांच से पता चला कि वो पहले से शादीशुदा भी था। इसके अलावा अभियुक्ता ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने धमकी दी थी कि उसे बदनाम करने के लिए उसकी स्पष्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उसने ये भी कहा कि ये तस्वीरें उसकी सहमति के बिना क्लिक की गई थी। राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि उसने भारतीय सेना को एक पत्र भेजकर उसने संज्ञान में लाया था कि आरोपी सेना की एक नकली पहचान का उपयोग कर रहा था। जवाब में आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुवक्किल पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ काम करता था, वो नौकरी छोड़कर एक निजी कंपनी में काम करने लगा था। अदालत ने आरोपी के अपराध की प्रथम दृष्टया देखते हुए कहा अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बात अब कर्नाटक हाईकोर्ट की, जिसने पूर्व राज्य मंत्री विनय कुलकर्णी की ओर से दायर याचिकाओं के एक बेंच को खारिज कर दिया है। याचिकाओं में 2016 के योगेश गौड़ा हत्याकांड को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने के आदेश को चुनौती दी गई थी। योगेश धारावाड़ जिला पंचायत के सदस्य थे। 15 जून 2016 को अज्ञात बाइक सवारों ने धारवाड़ से उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी। कुलकर्णी इस मामले में एक आरोपी हैं। सितंबर 2019 में कर्नाटक की भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें सीबीआई को मामले में आगे की जांच करने की अनुमति दी गई थी।
अनुमति आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने कहा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के प्रावधानों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ये पुलिस को आगे की जांच करने से नहीं रोकता और ना ही ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत आगे की जांच के लिए राज्य सरकार को मामले को सीबीआई को सौंपने की शक्ति का उल्लंघन करता है। इसलिए राज्य सरकार के आदेश के जरिए मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपना कानून के अनुसार है। धारवाड़ जिला पंचायत के सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या की जांच राज्य सरकार ने 6 सितंबर 2019 को सीबीआई को सौंपी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने पहले आरोपी बसवराज शिवप्पा मुतगी की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पहले सरकारी आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी। इससे व्यथित होकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने अंतरिम उपाय के रूप में सिंगल जज के आदेश के संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने आगे की जांच की मांग करते हुए मृतक की मां द्वारा सरकार से की गई शिकायत पर भी भरोसा किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को किसी तीसरे पक्ष के कहने पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया। जब तक कि जिला अटॉर्नी से ये राय नहीं ले ली जाती कि शिकायतकर्ता एससी एंड एसटी एक्ट के तहत पीड़िता की परिभाषा के अंतर्गत आता है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने यह कहते हुए कानूनी राय प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया कि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता एससी एसटी अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अदालत कपल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। दरअसल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कथित रूप से बहू से निजी बातचीत के दौरान समुदाय जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कथित घटना उस समय हुई जब लड़की ने याचिकाकर्ता के बेटे से शादी की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि 2021 में शादी से बहुत पहले याचिकाकर्ताओं ने 2016 में अखबार में एक नोटिस जारी करके अपने ही बेटे को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और उन्हें घर से बाहर करना चाहता था। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राज्य के वकील और शिकायतकर्ता के वकील दोनों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ना तो लड़की, जिसके खिलाफ कथित अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उसने तत्काल मामले में कोई शिकायत नहीं की और ना ही तीनों शिकायतकर्ता किसी भी तरह से संबंधित हैं। ये देखते हुए एससी एंड एसटी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी शिकायतकर्ता के पास वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है, अदालत ने वर्तमान याचिका को स्वीकार किया और याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी। मोटर एक्सीडेंट के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल या एमएसीटी द्वारा केस को केवल संभावना के आधार पर मुआवजे के लिए सही मानते हुए मुआवजा जारी करने के आदेश को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले इसलिए न्यायालय को दयालु दृष्टिकोण रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए न्याय के सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये नसीहत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनलों को, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल लुधियाना द्वारा पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा जारी करने के आदेश को चुनौती दी। याची ने बताया कि एमएसीटी के समक्ष मुआवजा याचिका वाहन मालिक और मृतक के परिवार ने एक्सीडेंट की झूठी कहानी बनाते हुए मुआवजा हासिल करने के लिए दाखिल की है। याचिकाकर्ता को यह जानकारी तक नहीं है कि उसे वाहन और वाहन मालिक के बारे में सूचना कैसे मिली। मोगा में हुए एक्सीडेंट में चरणदीप की मौत हो गई थी और इसकी एफआईआर लिखाने के बाद 2 दिन की देरी हुई और पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया। सभी तथ्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल ने केवल संभावना के आधार पर बीमा कंपनी को मुआवजा जारी करने का आदेश जारी कर दिया। भले ही इस तरह के मामलों में संभावनाओं के आधार पर आदेश जारी किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले कोर्ट को पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि तथ्यों में सत्यता है और इसके लिए तथ्यों का संभावनाओं से मेल खाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनलों को नसीहत दी कि दयालु दृष्टिकोण इस तरह के मामलों में दिखाएं, लेकिन न्याय का सिद्धांत ना भूलें। भले ही इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार के शक से ऊपर के आपराधिक मामलों के सिद्धांत की जरूरत नहीं है, लेकिन
सिविल मामलों की तरह तथ्यों से न्याय अधिकारी की सहमति आवश्यक है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगातार ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां हिट एंड रन मामलों में जब एक्सीडेंट करने वाले वाहन की पहचान नहीं होती, वहां मुआवजे के लिए किसी वाहन जिसका बीमा मौजूद हो उसे जोड़ दिया जाता है और बीमा कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। साथ ही कई बार ऐसे वाहन से एक्सीडेंट हो जाता है जिसका बीमा नहीं होता है और उसे ऐसे वाहन से बदल देते हैं जिसका बीमा हो और एक्सीडेंट को बीमा वाहन से दिखा दिया जाता है। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों को इस प्रकार के मामलों पर विशेष ध्यान देकर इन पर रोक लगाने की सलाह दी है। इधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने एक मामले की सुनवाई में आदेश जारी किया कि नाबालिग को सहमति संबंध में रखने के लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती, इसके लिए बालिग होना जरूरी है। एक प्रेमी जोड़े ने याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की थी। बताया गया था कि लड़की नाबालिग है और उसे घर वालों से जान का खतरा है। सहमति से संबंध में रहने के लिए सुरक्षा हेतु दाखिल याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसे इसके लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती। साथ ही हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में भेजने का आदेश देते हुए डीसी को इसके प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए। याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया था कि लड़की के घर वाले उसका विवाह जबरन करवाना चाहते हैं और इसके लिए वो घर से भागकर अपने प्रेमी के साथ रह रही है। उसे घर वालों से जान का भी खतरा है। फिलहाल वो सहमति से संबंध में रह रहे हैं। लड़की के बालिग होते ही दोनों शादी कर लेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति संबंध में सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों का बालिग होना जरूरी है। लड़की ने कोर्ट में कहा कि वो अपने अभिभावकों के साथ नहीं जाना चाहती। इस पर हाईकोर्ट ने लड़की के बालिग होने तक उसे स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में भेजने का आदेश जारी कर दिया। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वो एक महिला अधिकारी की ड्यूटी लगाए जो लड़की को स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में ले जाने की व्यवस्था करे। डीसी को लड़की के बालिग होने तक रहने की व्यवस्था करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो इधर शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या से वकीलों में भारी आक्रोश है। इस घटना के बाद सोमवार को यहां भी हाईकोर्ट और जिला कचहरी में वकील नाराजगी जताते रहे। इस हत्या के विरोध में प्रदेश भर के वकील 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। ये निर्णय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने लिया है। काउंसिल के सदस्य सचिव प्रशांत सिंह अटल के अनुसार अध्यक्ष कुमार मेहरोत्रा के निर्देश पर उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह और अन्य सदस्यों से परामर्श के बाद घटना पर 20 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी विरोध जताने का निर्णय लिया गया। विभिन्न जिला और तहसील बार एसोसिएशन से कहा गया कि 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से विरत होकर जिलाधिकारी और एसडीएम को ज्ञापन देकर घटना के प्रति विरोध प्रदर्शित करें। साथ ही प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया जाए कि प्रदेश में विलंब अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए और मृत अधिवक्ता के परिवार को 50 लाख रूपये का मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी देने की भी मांग की जाए। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि न्यायालय परिसर में असला लेकर आने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। प्रयागराज में भी पिछले वर्षों में कई वकीलों की हत्या की जा चुकी है। कुछ साल पहले जिला कचहरी परिसर में एक दरोगा ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वकीलों में काफी बवाल भी किया था। उस मामले में दारोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा 4 साल पहले मनमोहन पार्क के पास स्कूटर सवार वकील की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अधिवक्ता आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरे थे। ऐसी और घटनाओं की वजह से अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने पर जोर दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.